हेलो फ्रेंड्स, वैष्णो भंडारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो सिर्फ आटा और चने की दाल की बनकर तैयार होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैं इसे आपको काट कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने चना का दाल का मसाला भरा हुआ है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कम तेल यूज करेंगे हम इसमें, और खाने में काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये बॉईल किया हुआ है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आप स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। मोइन के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल ले लिया है। इसमें ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच ही तेल डालें। अब इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे एक टाइट डो बना लूँगी। इसका सॉफ्ट डो नहीं होना चाहिए, टाइट डो ही इसका बनाना है, तभी हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। आटा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए, तभी हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। ये चना दाल है, इसे मैंने रात में भिंगोकर रख लिया था। आप यदि शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह में इसे भिंगोकर 3 से 4 घंटे भिंगोकर रख देंगे। यहाँ मैंने जीरा ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर ले लिया है, और 5-6 हरी मिर्च ले ली है। अब एक मिक्सचर जार में मैं चने की दाल को ऐड कर दूंगी। उसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, जीरा और अदरक, और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालकर हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके का टाइट, ज़्यादा पानी गीला हो जाने से मसाला अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इसमें पानी बहुत ही कम सिर्फ पीसने के लिए हमें डालना है। 2 चम्मच पानी डालकर ही इसको पीसना है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ध्यान रहे कि हमने आटे में भी नमक डाला है, उसी हिसाब से हमें इसमें भी नमक डालना है। 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चम्मच से हमें फेंट लेना है, ताकि ये चना का दाल का जो बैटर है ये अच्छा से फ्लफ़ी हो जाए पूरा। मुझे इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट हो गया है। ये देखिए कितना हल्का हो गया है। अब इसे जैसे ही छुएंगे हल्का हल्का लगेगा। अब आटा में से अब मैं छोटे छोटे टुकड़े ले लूँगी। ये देखिए इतना बड़ा। अब इसे नींबू के आकार का गोल आकार का इसे बना लेंगे। अब उसमें मैं सूखे आटा से इसे दोनों तरफ से लगा लूँगी और इसे एक कटोरी की तरह बना लेंगे उंगलियों की सहायता से। आप चाहे तो इसे बेलकर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ इसे इसी तरीके से हाथ से उंगलियों से बना रही हूँ, इससे बहुत अच्छा से ये जल्दी बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेलकर भी इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच चना दाल का जो मसाला है उसे डाल दूँगी, और आटा का साइड में हम लोग पानी लगा लेंगे, जिससे कि जब मैं इसे बंद करूँगी तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से उंगलियों की सहायता से अब मैं इसे दोनों तरफ से बंद कर दूँगी।
ये एक बनकर रेडी हो गया है, इसी तरीके से मैं सारा तैयार कर लूँगी बनाकर। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है, पानी मैं आधा चम्मच नमक डाल दूँगी और आधा चम्मच ऑयल डाल दूँगी। जिससे कि आटा सब में चुपकेगा नहीं एक दूसरे से। इसे मिक्स कर देंगे और एक बॉईल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही एक बॉईल आ गया है, अब मैं इसमें एक एक करके सभी आटा का, ये जो हमने बनाया है नाश्ता, इसे मैं डाल दूँगी। इसे पीठा भी बोलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करके इसमें डालें, सावधानी से, और एक उबाल आने तक हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही और जल्दी ही जैसे ही आप डालेंगे इसमें, इसे हल्का सा स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स कर लें, जिससे कि तले में चिपकेगा नहीं। एक उबाल आ गया है और गैस को हमेशा हाई पर रखें, जिससे कि ये जल्दी बन जाए। इसमें उबाल आ गया है, ये देखिए ऊपर से भी ये चिकना हो गया है, यानी कि ये पककर रेडी हो गया है। इसी तरीके से 2 मिनट और पका लूँगी और इसे मैं 2 मिनट के बाद बाहर निकाल लूँगी। यदि आपको चेक करना है तो आप इसके ऊपर छू के देख सकते हैं, ये चिकना चिकना सा है और बिल्कुल भी हाथ में ये लग नहीं रहा है। यदि ये कच्चा रहेगा तो आटा हाथ में चिपकेगा। हाथ में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ सारे निकाल लिए हैं और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए पंखा के नीचे छोड़ दूँगी। ये दोनों तरफ से जब पानी से पूरा ये सूख जाए, तब थोड़ा सा 2 चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में, और उसी में मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा तेल यूज नहीं करना है, नहीं तो ये पूड़ी की तरह सॉफ्ट हो जाएगी, इसीलिए हम कम तेल में ही इसे फ्राई करेंगे। कम तेल में फ्राई करने से ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने। इसे लाइट ब्राउन होने तक इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अलटते पलटते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है और जब अंदर खाएंगे काफ़ी सॉफ्ट लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है, आप ज़रूर बनाकर इसे ट्राई करिएगा। इसी तरीके से मैं 4-4 पीस करके सभी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ सभी को फ्राई कर लिया है। पीठा बनकर यहाँ रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि कैसा बना है।